तो भाई आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ आगरा में, जहाँ मुझे मिली है एक अम्मा जो बना रही हैं 50 साल से घर का खाना एक पेड़ के नीचे और भर रही हैं लोगों का पेट। तो बने रहिए वीडियो में, पता लगाते हैं, जानते हैं अम्मा से कब से इस काम को कर रही हैं, कैसे इस काम की शुरुआत हुई। अम्मा राम राम। राम राम। तो आप ये चूल्हे की रोटियां बना रहे हो आगरा में, कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? बहुत दिन हो गए बेटा। बहुत दिनों से कर रहे हो काम? अकेले ही संभालते हो या और पहले? पहले तो अकेली बनाते। पहले अकेली बनाते थे और अब परिवार के सब लोग आ गए? अब परिवार का ये बनाने वाले। अच्छा, सब लोग आपने बनाने वाले रखे परिवार? आपको आप जानते हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जानते हैं, आगरा जानते हैं आपको, लोग आपके बड़े लोग आपका खाना भी टेस्ट करते हैं, खा के जाते हैं। अरे बेटा बहुत खा के जाते हैं। पहले तो शुरू नंबर में तो लाइन लगी रहती थी, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। क्या क्या बनाते हो आप, क्या क्या देते हो खाने में? अब तो जो है कि आलू के परांठे हैं और रोटी है। अच्छा, रायता है, दाल है, सब्जी है। कितने रुपए प्लेट देते हैं अम्मा? 30 रुपए, 40 रुपए। और हाँ, और बेटा और कितनी रोटी है? जब बोटो बारो खबावत है जी, 10 रुपया में खबा। अच्छा अच्छा, तो मतलब अम्मा के खाने का यहाँ पे कोई जवाब नहीं है? और मतलब अम्मा इतनी मेहनत में, इतने मतलब अब गर्मियों में कितना तापमान हो जाता है, उसमें जब काम कर रहे हो कितनी मेहनत में ना, चूल्हे की गर्मी अलग निकल रही है। अब बेटा क्या करूँ, रोटी वाली चली जाते, रोटी वाली तो फिर करनी पड़ती है, कुक बना रहे। यहाँ के लिए एड्रेस क्या रहेगा, कोई आना चाहे तो पता क्या है यहाँ? पता संजय छोड़ायो। अच्छा हाँ, तो गाइस दादी के प्यारे प्यारे हाथों का खाना अगर आपको टेस्ट करना है तो आगरा में आना जरूर, क्योंकि ये दादी कम से कम 40 से 50 साल तो हो गए होंगे, 40 से 50 साल हो गए ना यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना लोगों को खिलाते हुए। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं अम्मा का सेटअप, मतलब तीन तीन चूल्हे एक साथ चल रहे हैं और यहाँ खाना बनाने के लिए दो आंटियाँ भी लगी हुई हैं। 40 से 50 का तापमान है और इस भरे तापमान में अम्मा जो है इतने अच्छे तरीके से लोगों को खाना सर्व करती है ना, और मतलब इस खाने के पीछे अम्मा का इतना हार्ड वर्क है। अकेले अपने परिवार में है, बाकी सारे यहाँ पे लोग हेल्पर्स हैं और अम्मा अकेले मतलब देखो रोटी बेल रही हैं, फिर उसे चूल्हे पे सेकेंगी, सेकने के बाद गर्मा गर्म रोटी उनके वहाँ कस्टमर्स तक सर्व की जाएंगी। और जैसा मुझे अम्मा ने बताया था, पराठे भी सर्व कर रही हैं और रोटियाँ भी सर्व कर रही हैं। अम्मा काम करते करते ये बताना चाह रहे हैं कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ हाँ, एक ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं अपनी ज़िंदगी से थका गए हैं, है ना गाइस। आप इन अम्मा को देखो, इनकी उम्र कम से कम 80 और 90 के आसपास तो होगी, लेकिन सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन ज़िंदगी से अम्मा ने हार नहीं मानी और कितने प्यार से सर्व कर रही हैं रोटियां। तो चलिए एक बार एक प्लेट लगवा लेते हैं अपने लिए भी और हम भी करते हैं अम्मा का फूड रिव्यू। बैंगन आलू की सब्जी। बैंगन आलू तो हर दिन मेन्यू चेंज होता है? मेन्यू जी डेली चेंज होता है। डेली चेंज होता है। सब्जी रोटी के अलावा और मसूर की दाल है, सब्जी रोटी दाल और एक सूखी सब्जी रहती है डेली अलग। डेली अलग सूखी सब्जी जी। ये आपकी प्लेट आ गई। तो गाइस ये है अम्मा की थाली जो आगरा में काफ़ी फेमस है लोगों के बीच में। यहाँ इन्होंने मुझे सर्व की है तीन सब्जियाँ, जिसमें से दो गीली सब्जी और एक सूखी सब्जी है, साथ में थोड़ा सा सैलेड है और पिकल है। प्राइस की बात करें तो प्राइस है इनकी 40 रुपीज़। अब बाकी टेस्ट करके पता लगाते हैं कि अम्मा जो हैं वो वाकई में 40 साल से सर्व कर रहे हैं यानी, क्योंकि इतने लंबे समय से सर्व करें तो कहीं ना कहीं इस खाने में टेस्ट तो ज़रूर होगा ही। तो चलिए पता लगाते हैं। ये इनका घर जैसा खाना, मतलब एकदम चूल्हे से गर्मा गर्म उतरी हुई रोटियाँ हैं और यहाँ इनकी बैंगन आलू की सब्जी, दाल और सूखी वाली सब्जी। प्राइस है इसके 40 रुपीज़। खाना ना बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, सीरियसली जैसे हमारे घर में हमारी दादी नानी लोग बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है आज अम्मा के हाथों में। अब प्राइस वाकई में डिज़र्व करते हैं 40 रुपीज़, मोर देन 40 भी हो सकता है। तो यार इतने प्यार से परोस रही हैं ये अम्मा यहाँ पर खाना। एड्रेस मैं आकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, अगर आप लोग आगरा आ रहे हैं तो अम्मा के खाने को टेस्ट ज़रूर करना। इस यहाँ पर खाने की हर दिन वैराइटीज़ जो हैं वो बदलती रहती हैं। मैं करता हूँ वीडियो को फिनिश, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चाओ।